हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के इस वीडियो में आपका पुनः स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन का दसवां पॉइंट, जिसे हम कहेंगे इंटरचेंज ऑफ एक्सक्लामेटरी एंड असर्टिव सेंटेंसेस। तो आइए देखते हैं कि किस तरीके से किसी भी एक्सक्लामेटरी सेंटेंस को और हम असर्टिव सेंटेंस में किस प्रकार से रूपांतरित करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। तो जैसा कि आपको मालूम है कि ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है और इसमें दसवां पॉइंट है इंटरचेंज ऑफ एक्सक्लामेटरी एंड असर्टिव सेंटेंस। इसमें एक पॉइंट सबसे महत्वपूर्ण इसमें है, जिसको हम कहेंगे इसमें नोट है कि ऐसे वाक्य का ट्रांसफॉर्मेशन निम्न तरीके से किया जाता है। अब पहला पॉइंट इसमें है कि यदि कोई वाक्य इफ वुड वुड दैट ओ इटीसी से शुरू हुआ हो तो ऐसे वाक्यों का ट्रांसफॉर्मेशन आई विश दैट से शुरू करते हैं। तो कहने का मतलब यह है, यही चीज इसमें समझना है कि अगर किसी वाक्य में सबसे पहले इफ आया हो या उड आए हो या उड दैट आए हो या ओ आया हो अथवा ओ आए हो, तो ऐसे शब्दों के आने पर हम इन शब्दों को जब ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो इनको हटा देंगे या इनके स्थान पर हमको लगाना क्या है, आई विश दैट, आई विश दैट का प्रयोग करना है। अब जैसे एग्जाम्पल नंबर एक देखिए, पहला उदाहरण, इफ ओनली आई कुड सी हर अगेन, इसका अर्थ हुआ काश मैं एक बार उसे पुनः देख पाता। तो यहां पर जब इफ आ गया तो इफ के स्थान पर आपको लिखना है आई विश दैट। तो इस तरीके से आई विश दैट ये इफ के स्थान पर हो जाएगा, आई विश दैट पूरा पूरा ये हो जाएगा। और बाकी जितने वाक्य बच रहे हैं, यानी कि आई कुड सी हर अगेन, तो जो और शब्दांश बच जा रहा वाक्य में, इन सारे शब्दों को ऐसे ही लिख देना है। इसमें से कुछ न तो हटाना है ना तो परिवर्तन करना है, बस केवल आपको इफ के स्थान पर आई विश दैट लिख देना है, बस यही इतना ध्यान देना। अगर इफ के स्थान पर यहाँ उड होता तब भी यही लगता, अगर उड दैट होता, ओ होता, ओह होता, इनमें से कोई भी अगर शब्द आता है तो उसके स्थान पर आई विश दैट लिख करके हम ऐसे वाक्यों को जो एक्सक्लामेटरी है हम इसको किसमें बदल देंगे, असर्टिव सेंटेंस में चेंज कर देंगे। एक बात यह भी है कि एक्सक्लामेटरी सेंटेंस किसे कहा जाएगा, ये देखिए एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है, एक्सक्लामेटरी, तो ये एक्सक्लामेटरी क्यों है, क्योंकि इसका पहचान है कि वाक्य के अंत में संबोधन का चिन्ह होगा अथवा कुछ ऐसे एक्सक्लामेटरी वर्ड्स होंगे, शब्द होंगे, और उन शब्दों के बाद कभी कभी कुछ शब्दों के बाद संबोधन का चिन्ह आता है और कभी कभी पूरा वाक्य लिखने के बाद संबोधन के चिन्ह आते हैं, तो ऐसे स्थिति में संबोधन का चिन्ह ये पहचान है। दूसरी बात यह है, एक्सक्लामेटरी का मतलब ही होता है विस्मयादि बोधक शब्द, यानी कि जिसमें विस्मय बोधक शब्द होते हैं, कोई आश्चर्य की बातें होती हैं और किसी दुख, सुख या आश्चर्य अथवा हर्ष या प्रशंसा आदि के भाव प्रकट होते हैं, तो ऐसे वाक्यों को हम इस तरीके से लिखते हैं। तो अब देखिए, जब ये आपका एक्सक्लामेटरी था और इसको आपने किस में चेंज कर दिया, असर्टिव में, यानी कि साधारण वाक्य में ये आपका बदल गया, ये असर्टिव हो गया, ये एक्सक्लामेटरी। दूसरी बात यह है, अब नियम नंबर दो देखिए, विस्मय बोधक शब्दों के आने पर निम्न परिवर्तन होता है। अब बात यह है कि अगर एक्सक्लामेटरी वर्ड्स आ रहे हैं तो उनको हम किस तरीके से बदलेंगे, अगर उसमें मान लीजिए अलास आता है तो अलास के आने पर इट इज मैटर ऑफ सारो दैट, इतना आपको लिखना होगा, और यदि हुर्रे आते हैं तो हुर्रे के स्थान पर इट इज मैटर ऑफ जॉय दैट, ये लिखना होगा, दूसरा पॉइंट, और तीसरा है ब्रेवो, ये प्रशंसा की बात है इसलिए इट इज मैटर ऑफ प्रेज दैट। तो इन तीनों में से कोई एक आपको जैसा वाक्य का भाव होगा, जैसा वाक्य में शब्द प्रयोग किया गया रहेगा, अगर अलास आता है तो आप यह लिखेंगे, अगर हुरे आता है तो इसको लिखना है, अगर ब्रेवो आते हैं तो आप इसको लिख करके ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। अब जैसे उदाहरण नंबर दो को देखिए, लिखा अलास आई एम रूइंड, अब इसका अर्थ है कि अफसोस मैं बर्बाद हो गया हूं, तो अब इसका यह मतलब है कि इट इज मैटर ऑफ सारो दैट आई एम रूइंड, कि यह जो है दुख की बात है कि मैं बर्बाद हो गया हूं। तो इस तरीके से ये वाक्य आपका एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है, और यह एक्सक्लामेटरी होते हुए और यह किसमें चेंज हो रहा है, असर्टिव में बदल रहा है। इसी तरीके से उदाहरण नंबर तीन देखिए, अब यहां लिखा हुर्रे आई हैव वॉन द मैच, इसका अर्थ हो रहा आहा मैंने मैच को जीत लिया है, तो यह खुशियाली की बात है, खुशी की बात है, हर्ष की बात है, इसीलिए इट इज मैटर ऑफ जॉय दैट आई हैव वन द मैच,
तो इसका मतलब है ये खुशी की बात है कि मैंने मैच को जीत लिया है। तो यह भी वाक्य आपका इसकला मिट्टी हुआ, और जबकि ये बदल गया किसमें, असर्टिव में चेंज हो गया। अब आप देखिए उदाहरण नंबर 4, इसमें लिखा हुआ कि ब्रेवो, यू हैव डन वेल, वाह आपने तो कमाल कर दिया है, आपने तो अच्छा किया है। तो इसको जब हम बदल रहे हैं तो इट इज मैटर ऑफ प्रेज, यह प्रशंसा की बात है, दैट कि यू हैव डन वेल, आपने बहुत अच्छा किया है या आपने अच्छा किया है। तो इस तरीके से आप इन शब्दों को बदल देंगे। अगर विस्मयादि बोधक शब्द आते हैं तो इसके अनुसार आपको बदलना, यदि दुख सूचक शब्द हैं तो इट इज मैटर ऑफ सारो में चेंज करना है, इट इज मैटर ऑफ सारो दैट, पूरा पूरा आपको लिखना है। और यदि मान लीजिए इट इज मैटर ऑफ सारो दैट, ऐसे लिख देना है। और यदि इसमें से आपका कोई खुशी की बात आती है तो इट इज मैटर ऑफ जॉय दैट लिख देना है, और ब्रेवो आने पर इट इज मैटर ऑफ प्रेज दैट लिख देना है। तो इस तरीके से हम वाक्य का ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। दूसरी बात यह है, हमने इस चैप्टर में या इस पॉइंट में आपको दो नियम समझा दिया है, अभी इसमें एक नियम और भी है, अब आप उसके बारे में देखिए। अब आप देखिए रूल नंबर 3 के बारे में, तीसरा पॉइंट आप देखिए, इसमें तीसरा पॉइंट क्या लिखा हुआ है। अब जैसे कहा जा रहा है कि यदि एक्सक्लामेटरी सेंटेंस हाउ या व्हाट ए से शुरू हुआ हो, तो ऐसे वाक्यों का ट्रांसफॉर्मेशन करते समय वाक्य का आरंभ कर्ता यानी सब्जेक्ट से करते हैं तथा वाक्य में आए हुए एडजेक्टिव से पूर्व वेरी का प्रयोग कर देते हैं। अब जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल इसमें दिया 5वां नंबर उदाहरण, कि जैसे हाउ वार्म योर हैंड्स आर, अब इसमें लिखा हुआ कि हाउ वार्म योर हैंड्स आर, यानी कि आपके हाथ कितने गर्म हैं। तो ये आप देख रहे हैं कि यह वाक्य जो है हाउ से शुरू है। अगर ये हाउ से शुरू है तो हम क्या करेंगे, ऐसे वाक्यों को जब हम असर्टिव में ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो इसमें जो सब्जेक्ट आया है, जैसे योर हैंड्स, इतना आपका सब्जेक्ट है, तो इस सब्जेक्ट से हम इस वाक्य का शुरुआत करेंगे, योर हैंड्स हो जाएगा। इसके बाद आप जो है इसकी जो क्रिया होगी उसको लिख देंगे, आर हो जाएगा, और हाउ के स्थान पर बेरी लगा देना है और वार्म को बाद में लिख करके फुल स्टॉप लगा देना है, क्योंकि यह वाक्य आप बना रहे हैं असर्टिव। देखिए यह आपका असर्टिव है, और जबकि यह वाक्य आपका एक्सक्लामेटरी है, एक्सक्लामेटरी है। तो इस तरीके से एक्सक्लामेटरी से आपने इसको असर्टिव बना दिया। देखिए यह आपका एक्सक्लामेटरी है, एक्सक्लामेटरी से असर्टिव बन गया। अब आप देखिए उदाहरण नंबर 6 में, व्हाट ए ब्यूटीफुल रोज इट इज, तो यह जो वाक्य है ये आपका व्हाट ए से शुरू है, यहाँ देखिए व्हाट ए आ रहा है, और ये आपका हाउ था। तो हाउ या व्हाट दोनों के स्थितियों में आपको बेरी लगाना है, और एक चीज तो यही समझना है कि हाउ और व्हाट ए के स्थान पर आपको बेरी लगाना है, यानी कि इसमें जो एडजेक्टिव ब्यूटीफुल आ रहा है इससे पहले बेरी लगा देना है, ये आपका एडजेक्टिव है। यहाँ पर देखिए जो यहाँ पर वार्म एडजेक्टिव है तो इससे पहले बेरी है, ब्यूटीफुल से पहले बेरी है। दूसरी बात यह है कि ऐसे वाक्यों को जब भी लिखेंगे तो इसके सब्जेक्ट से लिखेंगे, तो सब्जेक्ट आपका क्या है, इट है, तो ये हो जाएगा इट, और इसकी जो क्रिया होगी इज लिख देंगे, सहायक क्रिया इट इज हो जाएगा, और ये जो इसमें आ रहा लिख देंगे, और फिर उसके बाद जो है ब्यूटीफुल से पहले आपको वाटे के स्थान पर एक तरह से बेरी लगा देना है, तो इट इज ए वेरी ब्यूटीफुल रोज हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने देखा कि यह भी वाक्य आपका एक्सक्लामेटरी है, एक्सक्लामेटरी, और जबकि यह वाक्य आपका किसमें बदल गया, असर्टिव में। तो इस तरीके से आपने देखा कि किसी भी असर्टिव सेंटेंस को, किसी भी सॉरी एक्सक्लामेटरी सेंटेंस को, किसी भी एक्सक्लामेटरी सेंटेंस को और असर्टिव सेंटेंस में कैसे चेंज किया जाएगा, ये बात आपको समझ में आ गया होगा। तो मूल रूप से इसमें 3 ही नियम हैं, और जो कि बहुत ही सिंपल हैं, बहुत ही आसान है, दो नियम मैंने आपको पीछे बताई दिया है, और इसमें आपका ये तीसरा रूल था, और इससे संबंधित जो एग्जाम्पल्स हैं। तो मैं अब यही आशा करता हूँ कि आपको ये जो चैप्टर है एक्सक्लामेटरी से लेकर के, या इंटरचेंज ऑफ एक्सक्लामेटरी एंड असर्टिव सेंटेंस, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो अब मैं आपसे यही कहूंगा कि यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें,
साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दें, जिससे कि जो भी नए नए वीडियोज मैं बना रहा हूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुँच सके और आप उसका समुचित लाभ भी उठा सके। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।